हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। पुराने वाले लेक्चर में वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं जो हमें एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट कोई बड़ा सेट है, उसके अंदर से जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको अगर हम अलग अलग निकाल के लिखेंगे या उसके छोटे पार्ट करके लिखेंगे तो उसको हम सबसेट बोलेंगे। ठीक है, सबसेट को हम बोल सकते हैं कि सबसेट किसी बड़े सेट के छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बच्चे इन द सेंस क्योंकि वे उसी में से निकले हुए हैं। ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। सपोज करो ए एक सेट है, थोड़ी सी 3 और 5। ठीक है, अब इसके सबसेट कितने बनेंगे? इसके सबसेट हो जाएंगे 3, 5, 3 और 5 और 5। ठीक है, अब इसके 4 सबसेट हो जाएंगे। इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो सबसेट पता करने का। जैसे सपोज करो ये 2 कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, तो 2 to power n और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 to power 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 4 है सबसेट 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ऐसे ही हम अगर 3 कंपोनेंट्स का एग्जांपल लेते हैं तो 3, 5, 7। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स हम कैसे जाएंगे 2 to power 3, तो हमारे 8 सबसेट होने चाहिए। अभी हम देखते हैं बना के। तो इसका एक हो गया 3, एक हो गया 5, 7 भी इसका सबसेट है। 3, 5 ले लेते हैं हम, 3, 7 ले लेते हैं हम, 5, 7 ले लेते हैं हम, 3, 5, 7 कोई भी सेट उसका सबसेट है। अगर कंप्लीट भी लिखा हुआ तो भी उसका सबसेट है। ओके, और एक हमारा 5 होता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5 को हम ब्लैंक सेट भी लिखते हैं। ठीक है, तो 5 तो हर एक सेट का सबसेट होता ही है, इसमें हमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए। तो अभी हम सबसेट को डिनोट कैसे करते हैं? सबसेट इज डिनोटेड बाय ठीक है, लेकिन कैसे? सपोज करो 1 सबसेट है 1, 3 और 5 का। ध्यान रहे कि यहाँ पे ब्रेसिस लगाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेसिस नहीं लगाएंगे हम तो ये बिलोंग्स टू में आ जाएगा। ओके, तो अभी इसके बाद आएंगे हम पावर सेट पे। पावर सेट क्या होता है भाई? जितने भी हमारे सबसेट बने हैं ना, अगर उनको हम एक सेट बना देंगे पूरे को मिला के, तो उसको हम पावर सेट बोलते हैं। पावर सेट इन द सेंस उन सभी सबसेटों को एक ब्रेसिस में डाल देंगे तो पावर सेट बनेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम 4 और 6, ये एक सबसेट है। ठीक है, सॉरी ये एक सेट है। तो इसके सबसेट कौन कौन से होंगे? 4, 6, 4 और 6 और 5। और हम इसको एक सेट में डाल देंगे, ये और सेट हो जाएगा। और इसको हम लिखते हैं पी ए, पावर सेट ए। ये हम इसको पावर ऑफ सेट ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं? जितने भी छोटे छोटे सेट होते हैं उन सभी को मिला के एक सेट बनाएंगे तो वो यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सभी सेटों के कंपोनेंट्स होते हैं, उससे कम नहीं हो सकते, उससे ज्यादा जरूर हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए एक सबसेट, एक सेट है 3 और 5 का। बी एक सेट है 7 और 8 का। सी एक सेट है 9 और
10 का, ओके। तो भी हमें इसका अगर यूनिवर्सल सेट पता करना है तो यूनिवर्सल सेट हम कैसे पता करेंगे, 3, 5, 7, 8, 9, 10, अभी हम और भी कुछ डाल सकते हैं तो डाल सकते हैं, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि ये जो कंपोनेंट्स है ए बी और सी में, ये जरूर इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए, तभी ये एक यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। तो चलिए अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन एक स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन एक हमें क्या बोलता है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन सिंबल्स सबसेट और सबसेट नोट इन द ब्लैंक स्पेस। अगर हम इसको सबसेट, ये सबसेट है और इस सबसेट को अगर हम क्रॉस कर देंगे तो ये आ जाएगा सबसेट नोट, ठीक है। तो क्वेश्चन वन का पार्ट वन देखते हैं, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, अभी हम देख पा रहे हैं कि देखो 2, 3, 4 इसमें भी है, तो ये इसका सबसेट है। यहाँ पे ध्यान रखें कि जो यहाँ पे राइट साइड में रहेगा ना वो इससे बड़ा रहेगा हमेशा, नहीं तो बराबर तो रहना है, इससे बड़ा ही हो सकता है, तो तभी और इसके जो कंपोनेंट है वो इसमें जरूर होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि 2, 3, 4 इसमें भी है तो ये इसका सबसेट है। सेकंड में चलते हैं, ABC, BCD, अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि है तो बराबर, बट क्या है कि ए यहाँ पे नहीं है तो ये सबसेट नहीं है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो भी पहले वाले सेट में है और दूसरे वाले सेट में होने ही चाहिए, उससे एक्स्ट्रा बेसक हो बट कम नहीं होने चाहिए। तीसरे में आते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, ठीक है। सपोज करो आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं और 20 में से कोई एक स्टूडेंट है, ओके। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अभी हो सकता है आपके स्कूल में तो 100 बच्चे हैं और क्लास में ओनली 20 ही बच्चे हों, ठीक है। लेकिन 20 बच्चे आपके स्कूल के बच्चे तो हैं ही ना, तो ये इसका सबसेट होगा क्योंकि ये ज्यादा संख्या और ये कम संख्या। तो हमने बताया था, पहले डिस्कस किया था कि ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए, तो ये इसका सबसेट है। एक्स इज सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अभी देखो यहाँ पे 1 यूनिट रेडियस दे दिया और यहाँ पे कोई रेडियस का यूनिट नहीं दिया है, तो हो सकता है यहाँ पे बड़ा रेडियस हो और यहाँ पे तो सिर्फ एक 1 यूनिट की रेडियस का है, ठीक है। तो हम नहीं बोल सकते कि ये इसका सबसेट है, हो सकता है ये जो सर्कल है ये 2 यूनिट का हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसेट नॉट, ठीक है। उसके बाद एक्स इज सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। अभी यहाँ पे ट्राइंगल की बात हो रही है, यहाँ पे रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो दोनों डिफरेंट हो गए, तो ये वाला इसमें मतलब ट्राइंगल इसमें नहीं रहेगा, तो ये सबसेट इसका नहीं रहेगा। नेक्स्ट में आते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, ट्राइंगल कोई भी ट्राइंगल हो सकती है, आइसोसेलेस हो सकती है, इक्विलेटरल हो सकती है, सभी तरह की होती हैं, और यहाँ पे ओनली इक्विलेटरल है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये इसका सबसेट है। नेक्स्ट, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अभी देखो इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, यहाँ पे क्या होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और ये यहाँ पे, तो अभी हम देख पा रहे हैं ये सभी इसमें प्रेजेंट रहेंगे क्योंकि ये तो ये इनमें से निकले हुए हैं, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये इसका सबसेट है। अभी हमारे पास क्वेश्चन वन था, अभी क्वेश्चन टू पे चलते हैं। क्वेश्चन टू में क्या पूछता है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अभी हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ठीक है। तो पार्ट वन में चलते हैं, ए एंड बी नॉट सबसेट बी सी ए। अभी हम यहाँ देख रहे हैं ए और बी यहाँ पे है और ए भी यहाँ पे है, तो ये इसका सबसेट है, बट यहाँ पे इन्होंने सबसेट नॉट लिखा हुआ, तो ये फॉल्स हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ये इसका सबसेट होना चाहिए। सेकंड में चलते हैं, ए एंड ई सबसेट ऑफ एक्स इज सच दैट एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अभी हमें पता है वोवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब ये देखो ए और ई इसमें है, प्रेजेंट है दोनों में, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, और तो ये इसका सबसेट है, तो हम इसको टू लिखेंगे क्योंकि ये सत्य है। उसके बाद नंबर थ्री पे, वन थ्री पार्ट थ्री पे चलते हैं हम। इसके पार्ट थ्री में क्या बोला, वन टू थ्री सबसेट ऑफ वन थ्री फाइव, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं टू इसमें नहीं है तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ए सबसेट ऑफ ए बी सी, अभी हमें पता है ए यहाँ पे भी है तो ये ट्रू है। अभी नेक्स्ट है ए बिलोंग्स टू ए बी सी, देखो यहाँ पे हमने क्या है, ए है ना जो, वो अगर हम इसमें ब्रेसिस हटा देंगे तो ये बिलोंग्स टू में आएगा तो ट्रू हो जाएगा, बट यहाँ के पे क्या है ब्रेसिस लगे हुए हैं तो ये सबसेट है, न कि नॉट के बिलोंग्स टू है, सो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सिक्स पे चलते हैं हम। इसके पार्ट सिक्स में देखो क्या दिया हुआ है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। अभी देखो इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स क्या होते हैं, टू फोर, ठीक है, लेस देन सिक्स। और यहाँ पे क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36 कौन कौन से नेचुरल नंबर डिवाइड करते हैं, अभी देखेंगे हम। दो से डिवाइड हो जाता है, तीन से भी हो जाता है, अभी हम चार से डिवाइड कर सकते हैं, छह से भी कर सकते हैं, नौ से भी, और मीन्स अभी ये देख सकते हैं कि दो और चार जो यहाँ पे है वो इसमें प्रेजेंट है, तो हम इसको ट्रू मानेंगे क्योंकि ये इसका सबसेट है, ये छोटा है और ये बड़ा है, ओके। अभी हम क्वेश्चन तीन पे आते हैं, लेट एक सेट है वन टू, इसमें भी एक सेट डाल दिया उन्होंने थ्री फोर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड वाई। अब देखो ये इन्होंने हमें थोड़ा कंफ्यूजन में डाल दिया कि हम इसका क्या करें, कैसे होता है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, जैसे कि सपोज ग्रो ऐसे है तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्री एंड फोर है, इसको हम कुछ भी मान लेंगे, सपोज ग्रो हमने इसको एक्स मान लिया तो ये सेट क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू वन टू एक्स एंड फाइव, ओके। अभी हमारा ये एक सेट बन गया जो कि एक्स एक सेट है और ये हमने इसको एक्स माना था तो ये यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है, करेक्ट एंड वाई। अभी यहाँ पे इन्होंने लिखा है थ्री फोर सबसेट ऑफ ए, अभी ये एक सेट है इसमें हम देख रहे हैं थ्री फोर को इसका सबसेट है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे तो हमारा एक्स है और एक्स हमारा ये है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि थ्री फोर नहीं है, एक्स है हमारा सबसेट, तो ये सबसेट में नहीं आएगा तो ये आएगा बिलोंग्स टू में आएगा, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये इसे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट में चलते हैं, थ्री फोर बिलोंग्स टू ए, अभी हम देख पा रहे हैं थ्री फोर बिलोंग्स टू ए, तो ये इसके बिलोंग्स टू, क्योंकि ये एक इसको हम एक कंपोनेंट की तरह ये मान के चल रहे हैं, तो ये यहाँ पे कंपोनेंट है, सपोज जिसको हमने एक्स माना हुआ तो थ्री फोर एक कंपोनेंट हो गया और बिलोंग्स टू ए, ये तो करेक्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। अब देखो थ्री फोर, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स ये कर सकते हैं ए, तो ये इसका सबसेट है, बिल्कुल है, यहाँ पे देखो हमने इसको एक्स माना हुआ था तो इसको हम करेक्ट बोलेंगे। अब देखो वन बिलोंग्स टू ए, वन बिलोंग्स टू मतलब ये, और जैसा कि हमने पढ़ा था पहले कि यहाँ पे ब्रेसिस नहीं आएंगे, ब्रेसिस आते तो ये हमारा सबसेट हो जाता, और अभी वन है तो ये बिलोंग्स टू ए है तो ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है वन इज सबसेट ऑफ ए, अभी आपको पता है कि जो सबसेट होता है उसके ब्रेसिस आते हैं और यहाँ पे ब्रेसिस नहीं है तो ये
इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 1, 2 एंड 5 सबसेट ऑफ ए, 1, 2 एंड 5 सबसेट ऑफ ए है। हाँ बिल्कुल है, तो हम इसको सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1, 2 एंड 5 बिलोंग्स टू ए। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था इसके कि अगर बिलोंग्स टू आएगा तो यहाँ पे ब्रेसिस हट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रेसिस लगे हैं तो ये तो सबसेट है बट बिलोंग्स टू नहीं है, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए। अभी देखो हम देखते हैं 1, 2, 3 बट यहाँ पे 3 नहीं है, ये एक्स, हमने एक्स इसको सपोज किया है तो ये हम इसको सबसेट नहीं मानेंगे, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 5 बिलोंग्स टू ए। देखो 5 है ना किसी का सबसेट है बट बिलोंग्स टू नहीं है, क्योंकि 5 इसके अंदर नहीं है, इसका सबसेट जरूर है, तो हम इसको इनकरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि 5 को हम ये लिख सकते हैं ना एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट यहाँ पे बिलोंग्स टू नहीं आएगा, ये इसे सबसेट मान सकते हैं इसको। अब इसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही क्लियर कर दिया उन्होंने, 5 सबसेट ऑफ ए, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 को इन्होंने ब्रेसिस में डाल दिया सबसेट ऑफ ए, ये भी राइट हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अभी हमें इनके फॉलोइंग सेट्स के बताने हैं, तो अभी देखिए यहाँ पे एक कंपोनेंट है इस सेट के अंदर, तो हम इसको फॉर्मूले से जा सकते हैं 2 to power 1 = 2। तो ये हमें पता होगा कि यहाँ इसके दो ही सेट होंगे, दो सेट कौन कौन से होंगे, एक तो ये सेल्फ हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा, ठीक है। अभी दूसरे में चलते हैं, 1 एंड 2 है, 2 to power 2 = 4, यहाँ पे इसके 4 सबसेट मिलेंगे। हम देखते हैं ए एक सबसेट हो गया, बी दूसरा सबसेट हो गया, ए एंड बी तीसरा हो गया इसका, और एक 5 हो गया, तो हमारे 4 हो गए। यहाँ पे 3 है, 2 to power 3 = 8 हो जाएंगे हमारे। तो अब देखते हैं हम 1, 2, 3, 1 एंड 3, 1 एंड 2, 2 एंड 3 और 1, 2 एंड 3 और एक ये 5 हो जाएगा। अभी हम काउंट करते हैं इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी हमें पता है कि यहाँ पे फॉर्मूले में भी 8 आया था और यहाँ पे 8 हमारा मतलब सही है। अब देखो 5 में सिर्फ होता है कि कोई भी नहीं रहता, 0 मीन्स उसके अंदर कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो 2 to power 0 क्या होता है 1, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट भी सॉरी इसके सबसेट भी 1 ही होते हैं, तो सबसेट इसका एक 5 का 5 ही होता है, तो हम इसको एक ब्लैंक सेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 5। 5 में क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। देखो हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए, ये हो गया पावर सेट इफ ए इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है ए इज इक्वल टू 5, 5 में कितना एक ही सबसेट होता है, एक ही सबसेट मतलब कौन सा होता है, वो भी एम्प्टी सेट, तो हम इसको लिखते हैं पी ए इज इक्वल टू 5, 5 मीन्स ओनली 1 इज इक्वल टू 1, 1 ही एलिमेंट होगा, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, 0 होगा तो 5 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। अभी हम क्वेश्चन 6 में चलते हैं, राइट द फॉलोइंग इन एज इंटरवल। अब देखो इंटरवल में क्या होता है कि जैसे ये है एक्स, दिस इज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड -4। देखो अभी यहाँ पे हम एक कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारा हम इनको दो चीजों से क्लियर करेंगे, एक होती है ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, ये होती है हमारी ओपन ब्रैकेट और ये होती है हमारी क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट में क्या होता है, सपोज करो कोई चीज
अब मैं लिखता हूँ x इज ग्रेटर देन 4 एंड ग्रेटर देन 6, तो ओपन ब्रैकेट में क्या होगा कि x है जो 4 नहीं है, 4 नहीं है, वो 4 से बड़ा है, मतलब हो सकता हो 4.1 हो, 4.2 हो, 4.3 हो एंड वो 5.9 तक जाएगा, वो 6 भी नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, जहाँ पे इन दोनों को एक्सक्लूड किया जाता है। और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो ये आता है x एंड 6, इसमें क्या होता है कि x हमारे 4 के बराबर भी है और 6 के बराबर भी है, और 6 से छोटा और 4 से बड़ा, तो हम इसमें 4 को इंक्लूड करेंगे, 4.1, 4.2 जो भी आएगा इसके अंदर, और ये 5.9 से लेके और 6 तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं पहले इसमें x is that x belongs to R, तो अब यहाँ पे देखिए हमें इसको इंटरवल्स में डालना है, इंटरवल्स कैसे डालेंगे, यहाँ पे देखो ये है, इन्होंने बड़ा डाला है bigger than, तो हम यहाँ पे बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे -4, ठीक है। अभी हम डालेंगे इसको एंड यहाँ पे 6 के बराबर भी है और 6 से छोटा भी है, तो यहाँ पे हम 6 डाल के क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे 4 इसमें इंक्लूड नहीं, -4, बट यहाँ पे 6 इसमें इंक्लूड है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, x is such that x belongs to R, और x है -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है, ठीक है, ये गलती से लग गया था, तो भी यहाँ पे हम देखते हैं तो 12 से बड़ा है लेकिन बराबर नहीं है, तो हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे -12, और यहाँ पे हम लगाएंगे ये भी बराबर नहीं है तो -10, और ये ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। नेक्स्ट में देखते हैं, अभी हम x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7, तो अभी हमें पता है यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 0 और लास्ट है 7 लिख दिया हमने, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, और क्या है x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो देखो इक्वल टू है तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं 3, और यहाँ पे भी इक्वल टू है, छोटा भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये हमारे इंटरवल्स हो जाएंगे, ठीक है। अभी अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर, अभी हम क्या है, ये हमें इंटरवल्स दे दिए और अभी इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे आपको पता है कि पहले हम सीख चुके हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं हमें x इज सच दैट के फॉर्म में, तो अभी हम यहाँ पे पार्ट वन को लेते हैं, पार्ट वन का क्या हो जाएगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, यहाँ पे क्या है, ये सभी डिजिट है, तो यहाँ पे रियल नंबर से करेंगे, उसके बाद x, अब देखो यहाँ पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है तो ओनली बड़ा हो जाएगा -3 से, और यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट है तो ये छोटा हो जाएगा 0 से, ये हो जाएगा इसका सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट में चलते हैं हम, 6 दोनों में क्लोज ब्रैकेट है, तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, और x क्या है देखो क्लोज ब्रैकेट है तो बड़ा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6 के, और ये बड़ा हो जाएगा और बराबर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा बराबर हो जाएगा 12 के, तो ये हमारी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ, पार्ट थ्री पे देखो क्या दिया हुआ है, पार्ट थ्री में 6 एंड 12, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट है तो हम लिखेंगे x is such that x belongs to R एंड x, यहाँ पे देखो ओपन ब्रैकेट है तो हम डालेंगे इसको ओनली बड़ा है 6, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है हम इसके यहाँ से बराबर भी डाल देंगे और 12 के, और
ये हमारा इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा, -23 and 5। यहाँ पे देखो क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। तो आपको पता है x is that x belongs to R, और यहाँ पे हम x को लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है तो सबसे पहले बराबर, और ये आ जाएगा -23, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है तो ये इससे छोटा 5 से आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। अभी क्वेश्चन 8 पे चलते हैं हम। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमें पता है कि इनका यूनिवर्सल सेट कैसे बना सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। यूनिवर्स एक राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल क्या होता है कि भाई राइट ट्रायंगल ओनली एक राइट ट्रायंगल है, तो इसका यूनिवर्सल सेट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे हम कि जिसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स हों, ओके। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, x इज ए ट्रायंगल इन सेम प्लेन। अभी देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है वो सेम प्लेन में है, और एक ट्रायंगल है उसका कोई साइज नहीं हो सकता, वो कुछ भी हो सकती है, एक आइसोसेलेस भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, और यहाँ पे क्या है हमारी एक ओनली राइट बोला हो उन्होंने, तो ये छोटा सेट है और ये बड़ा है, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ओके। अभी देखो दूसरे में चलते हैं, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस अभी देखो इसमें सेम है, या इसके अंदर आइसोसेलेस भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, तो इसको भी हम सेम लिखेंगे, एक्स इज ए ट्राइंगल इन सेम प्लेन, तो ये इसके यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे। क्वेश्चन 9, गिवन द सेट ए, देखो अभी ए है हमारा 1, 3, 5, बी है 2, 4, 6, सी है 0, 2, 4, 6, 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। अब देखो हमें इन तीनों को मिला के एक यूनिवर्सल सेट बनाना है और बताना है कि कौन सा सेट इनका यूनिवर्सल सेट हो सकता है और क्यों। तो जैसा कि हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सभी सेटों के कंपोनेंट्स इंक्लूड हों, उससे ज्यादा हो सकते हैं उससे कम नहीं होने चाहिए, यानी कि एक बड़ा एक सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर सभी छोटे सेट के कंपोनेंट्स इंक्लूड हों, ओके। तो भी हम यहाँ पे एक एक करके चेक करते हैं कि कौन से में है। सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी हमें यहाँ से 6 तक कंप्लीट हो जाता है, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 है, तो 8 इसमें नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि ये इसका यूनिवर्सल सेट है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। अब दूसरे में देखो 5 है, 5 तो सभी का होता है, बट यहाँ पे क्या है 1, 3, 5, यहाँ तो बहुत सारे कंपोनेंट है और 5 एक एम्प्टी सेट बोलते हैं इसको, तो ये एम्प्टी है, ये तो यूनिवर्सल तो हो ही नहीं सकता, तो हम इसको भी हमारे ऑप्शन से एलिमिनेट कर देते हैं। अब नेक्स्ट में चलते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी देखते हैं हम 0 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3, 4, 5, 6, 8, और यहाँ पे 7, 9, 10 एक्स्ट्रा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा यूनिवर्सल, इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट मतलब पार्ट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूनिवर्सल सेट निकाल सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट और कोई भी सेट्स हमें दिए हुए हैं तो उनके सेट्स के अंदर जो भी कंपोनेंट है उनको एक उनको सभी को मिला के जो भी सेट बनेगा वो उन सभी का वो उनका यूनिवर्सल सेट होगा। सो गाइज, आज हमने इसकी एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो बट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, थैंक यू।